मेरा, वो क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, लेट अस सपोज यहाँ पर हम जिस लिमिट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, हम फंक्शन की बात नहीं करते, लिमिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मान लो मैंने जो लिमिट लिया है, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू वन f of x g of x, ठीक है? तो ये अंदर क्या हो जाएगा, x square plus x। देखो ये वाला जो लिमिट है ना, ये अभी तुरंत थोड़ी देर पहले हमने इसका एग्जांपल लिया था, राइट? और वहां पर हमने कैलकुलेट किया था यही वाली वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू 1 x square plus x। तो इसीलिए अभी मैं इसको फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगी, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी देखा ही होगा, राइट? तो इसकी वैल्यू निकल के आई थी 2, राइट? वही सेम लॉजिक से, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह वगैरह, ठीक है? अब देखते हैं राइट हैंड साइड क्या है हमारा। इसका जो राइट हैंड साइड है वो ये है, राइट हैंड साइड कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी वैल्यू निकलेगी 1, इसकी वैल्यू भी 1, तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर राइट हैंड साइड, तो यानी कि ये जो पहला है ये हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है?